Good morning, how are you? Welcome back to your own YouTube channel. In this video, we are going to have a discussion about the practical aspect of consumer equilibrium. As you already know, previous video, we have already made a discussion regarding how to find out the consumer equilibrium with the help of law of diminishing marginal utility and what is the relation between consumer equilibrium and law of diminishing marginal utility. In this video, we are going to have a discussion about the practical aspect, all these terms. Now, the first question is, let MUX 20 price of X 4, MUY 25 price of Y 5. Now, you will have to find out whether consumer is in equilibrium or not if MUM is 5. As you already know, what is the condition for the consumer equilibrium? It is MUX divided by price of X, MUY divided by price of Y is equal to MUM. If a consumer is able to satisfy this condition, in that case, we can say that such consumer is in equilibrium. Now, moving to the practical aspect, what is the MUX is 20, price of X 4, MUY 25, price of Y 5, and MUM is 5. इसको अगर सोल्व करें तो मेरे पास आता है 4 5 20 5 5 25 इज इक्वल टू 5. तो इससे मुझे पता लग गया कि जो MUX प्राइस ऑफ एक्स और MUM क्या है, दोनों बराबर हैं. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर किस में है, इक्लोरम में. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट विद अनदर एग्जाम्पल. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव MUX 25, प्राइस ऑफ X 5, MUY 30 एंड प्राइस ऑफ Y इज 5. नाउ द कंडीशन इज फॉर द कंज्यूमर इक्लोरम, MUX अपॉन प्राइस ऑफ X, MUY अपॉन प्राइस ऑफ Y. अगर MUM नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी सहायता से भी कंज्यूमर इक्वलम को फाइंड आउट कर सकते हो. अब इसमें क्या रेशियो बनेगा, सबसे पहले बात करें 25 डिवाइडेड बाय 5, नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 5. अगर इसमें बात करें तो यहां ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है. यहां पे 5, यानी अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं कंसिडर करूं तो जो कंडीशन है MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X, MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y, वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्वलरम में नहीं होगा. तो आई होप इन दो एग्जांपल से समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे उनको कंसिडर करते हैं. अब हम डिस्कस कर रहे हैं दो अलग क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन MUX डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X इज ग्रेटर देन MUY प्राइस ऑफ Y, और दूसरा जो क्वेश्चन है हाउ इज द इक्वलरम ऑफ ए कंज्यूमर अफेक्टेड व्हेन MUM हैपेंस टू राइज एंड प्राइस ऑफ X इज कांस्टेंट. इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. पहले फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि MUX प्राइस ऑफ X ग्रेटर देन MUY प्राइस ऑफ Y. अब इसको थोड़े ध्यान से समझें. अगर इस सिचुएशन की बात करूं तो इस सिचुएशन मुझे बताती थी, अगर कंज्यूमर एक रुपये खर्च करता है किसके ऊपर, X के ऊपर, अगर वो एक रुपये स्पेंड करता है किसके ऊपर, X के ऊपर, तो उसको कंपेयर टू Y सेटिस्फैक्शन किसके ऊपर ज़्यादा मिल रहा है, X के ऊपर. यानी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा किसके ऊपर है, X के ऊपर. तो ऐसे में वो कंटिन्यू एक्सपेंडिचर किसके ऊपर रखेगा, X के ऊपर, ठीक है. अब अगर मैं बात करूँ तो उसने X का कंजम्पशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया. अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी मुझे क्या बताता है कि जब किसी यूनिट का, किसी कॉमोडिटी का कंजम्पशन आप ज़्यादा करेंगे तो उससे मिलने वाला MU लगातार क्या होगा, कम होता चला जाएगा. तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी कि X का कंजम्पशन उसने बढ़ा दिया, तो X के रिगार्डिंग जो MU होगा वो लगातार क्या होगा, कम होता चला जाएगा. अब चूंकि उसने Y का कंजम्पशन क्या कर दिया, कम कर दिया, तो Y के रिगार्डिंग जो MU है वो लगातार क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है. तो इस तरह दोबारा से सिचुएशन क्या होगी, इन दोनों या तीनों पॉइंट्स को मैं कंसिडर करूँ तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि कंज्यूमर दोबारा से फिर से किस वे में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में. दैट मींस वो फिर से क्या करेगा, एक्स पे ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, इससे मिलने वाला एमयू कम होता जाएगा, और वाई का कंजम्पशन कम कर रहा है तो इससे मिलना एमयू क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है. तो धीरे धीरे फिर से किसके ऊपर आ जाएगा कंजम्पशन, किसके ऊपर स्टार्ट कर देगा, एमयू वाई, या वाई के ऊपर कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. दूसरे में बात करें हाउ इज द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अफेक्टेड व्हेन एमयूएम हैपेंस टू राइज एंड प्राइस ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट. अब इसमें क्या है, पहली जो चीज मुझे याद रखनी है कि अगर ये कंडीशन है कि आपका एमयूएम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट है, तो इस सिचुएशन में जो कंडीशन बनेगी उसको मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है.
अब यहां से मुझे पता लग जाएगा कि अगर ये कंडीशन है जिसमें मुझे कहा गया कि आपका जो प्राइस है वो लगातार क्या हो रहा है, सॉरी प्राइस आपका कॉन्स्टेंट है और MUM लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, वो कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब MUX यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है वो इंक्रीज हो। ठीक है, वो इंक्रीज कब होगी, जब वो उसका कंजम्पशन क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा तो धीरे धीरे फिर से क्या होगा, वो कंडीशन में किस में आ जाएगा, अगर लॉ ऑफ डिमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी को याद रखूं तो फिर से किस में आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का कंजम्पशन अगर वो बढ़ाएगा तो MUX क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक्स का कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ जो MUX इंक्रीज होगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन वो क्या होगा, लगातार कम होता चला जाएगा और वो फिर से किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे जो ओरिजिनल अप्रोच है किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। हमने इस चैप्टर में देखा था कि कार्डिनल अप्रोच में मार्शल ने कहा था कि आप इसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आप इनका मेजरमेंट कर सकते हो। वहीं हमने देखा था हिक्स ने उसको ओवरशैडो किया था कि उसने कहा था भाई मैं नहीं मानता, आप जो बात कर रहे हो वो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट तो है ही नहीं। तो अब हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो हिक्स के जो स्टैंडर्ड उसने लिए हैं कि वो क्यों उसको ओवरशैडो करता है मार्शल की अप्रोच को, वो क्यों ये मानता है कि कोऑर्डिनल अप्रोच एप्लीकेबल नहीं है, यूटिलिटी को आप कोऑर्डिनल नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते, इन सब बातों का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जहां हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को।